So welcome, my dear friends, for the yet another interview with an MDRT advisor, that is Akshata Khandekar. She's been there as an insurance professional since 2010 and she has qualified MDRT. Let's listen from her journey of success. Welcome, Akshata, to this small video. Tell me something Thank about you for yourself. Inviting me. Thank you. And tell me something about yourself. Ki kashe tumi, how did you come into this industry and how was your growth? सर मैं तो एक हाउसवाइफ जैसे ही खुद को 2000-2010 के पहले प्रिटेंड कर रही थी, लेकिन जैसे मेरी बेटियां बड़ी हो गई, उनका फुल डे का स्कूल का टाइमिंग हो गया, तो मैंने खुद सोचा कि कुछ ऐड करते अपने लाइफ में. और मुझे पहले से LIC का अट्रैक्शन था, तो मैंने LIC ही ज्वाइन करने का सोचा. और 2010 में मैंने एग्जाम पास करके LIC ज्वाइन किया, और तब से मैं अभी तक LIC इंश्योरेंस एडवाइजर करके काम कर रही हूँ. लेकिन 2022 में मेरे जब भी डेवलपमेंट ऑफिसर चेंज हो गए, उनके हाथ से मुझे जब भी ट्रेनिंग मिलने लगा, रेगुलर ट्रेनिंग मंथली वीकली, तो वो ट्रेनिंग की वजह से मेरी मेरे खुद के स्पीच में, कॉन्फिडेंस में बहुत सारे चेंजेस हुए. और लास्ट ईयर जैसे ब्रांच में हमेशा कुछ ना कुछ कंपटीशन चालू रहते थे कि चलो वैष्णो देवी कंपटीशन आ गया या जगन्नाथपुरी का कंपटीशन आ गया, उसके लिए जो पॉलिसी का काउंट होता था वो काउंट में कंप्लीट करती गई. तो एक बार कंप्लीट किया, दो बार कंप्लीट किया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा तो कमीशन की अमाउंट भी बढ़ने लगी. उस हिसाब से तो मेरे साथ जो मेरे HNI क्लाइंट थे, तो उनके ऊपर थोड़ा मैं फोकस करने लगी कि चलो अभी इनके साथ मैं डिस्कस कर सकती हूँ कि उनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है थोड़ा सा उसके लिए मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ. वो कॉन्फिडेंस आने के बाद मेरे बहुत सारे मैंने खुद के कैलकुलेशन किए, उनको उनके एज को लेके कि क्या क्या उनको देना चाहिए, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है उनके लिए, उनके बेटर फ्यूचर के लिए. तो एक रात भर मेरा वो उसके ऊपर वो काम हुआ कि मैंने उनको कितना 10 साल का प्रेजेंटेशन आया, 15 साल का प्रेजेंटेशन आया, उसके बाद उनको इनकम कैसे जनरेट होगी, कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना उनको रिटर्न मिलेगा. और ये सब दूसरी बार दूसरे दिन दोपहर को जब भी एग्जीक्यूशन हुआ, और उसी ये सब कॉल मेरा फोन पे ही हुआ था. सामने सामने नहीं थे हम लोग, क्योंकि मैं मुंबई में थी, वो पुणे में थे, और फोन के कन्वर्सेशन पे ही वो मेरा बड़े पॉलिसी मतलब 1 CR के 3 पॉलिसी क्लोज हुए थे. तो वो क्लोज होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि अरे हम लोग कुछ कर सकते हैं, किया जा सकता है. और उसके बाद जो रेगुलर उनका चालू हुआ, और मेरे जब ज्यादातर पॉलिसी नैच रहते हैं, तो उसके बाद नैच का प्रोसेस कंप्लीट करना और रेगुलर प्रीमियम आ रहा है क्या उनका, मतलब वो सब देखना हर महीने, अगर किसी का नहीं आया तो उसका फॉलोअप लेना, ये सब चीजें करते करते लास्ट में जब भी हमारा ब्रांच से हमें फिगर आती है कि आपका MDRT का इतना बैलेंस है, तो वो फिगर के लिए फिर फाइट चालू हो गया कि चलो बहुत नजदीक आ गया है तो कुछ करते हैं. और लास्ट में फिर जीवन उत्सव प्लान आने के बाद वो मुझे बहुत हेल्प हुआ वो उत्सव प्लान, क्योंकि उसका प्रीमियम ईयरली थोड़ा हाई होने के वजह से वो सपोर्ट हुआ मुझे बहुत. और मेरे फैमिली के ही मतलब तभी मैंने किए, क्योंकि पहले जब भी हम लोग खुद के लिए करते हैं तो दूसरों के लिए समझाना बहुत आसान होता है, और उनको बहुत टच होता है कि ये खुद कर सकते हैं, ये प्लान तो हमें भी करना चाहिए, एक रिलेशन वो आता है. और उसकी वजह से मेरा MDRT कंप्लीट होने में मुझे बहुत हेल्प हुई. वेरी गुड। वैसे अभी आपने कहा कि 1-1 करोड़ की आपकी पॉलिसीज हुई। आज के डेट में लोगों के कॉम्पिटिशन आते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ में, तो आपको कॉम्पिटिशन वगैरह कुछ नड़ा कि नहीं नड़ा? नहीं, वो एक्चुअली वो जो जिनके साथ मैंने वो पॉलिसी क्लोज, उनके साथ पहले एक पिछले 1 साल से मैं उनके टच में थी, उनको लगातार उनके साथ मेरा फॉलो अप हो रहा था कि सर आपको LIC के हमें हमें ये इन्वेस्टमेंट करने हैं. लेकिन जब भी मार्च में जैसे ये अपना टैक्स का 5 लाख का वो बजट का एक आप म्यूट में आ गए। वो पॉलिसी ज्यादा हेल्प हुई मुझे, क्योंकि ऑलरेडी उनका प्रीमियम साल का 5 लाख के ऊपर था, तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग के ये इसकी क्लॉज की वजह से वो मेरे पॉलिसी क्लोज हो गए थे तब मार्च में. ओके, वेरी गुड। कौन से क्लोज में हुई पॉलिसी बंद? आपने बीच में वीडियो कट हो गया था। 2023 मार्च में वो मैंने पॉलिसी क्लोज की थी.
फेब्रुआरी में हम लोग ने वर्किंग स्टार्ट किया था उनका मेडिकल, और वो सब होते होते मार्च एंड तक मेरा वो पॉलिसी कंप्लीट हो गया था, नंबरिंग हो गया था। पर ये आपको ऑब्जेक्शन तो आते होंगे, म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, बाकी सब जगह पे यस ज्यादा है, तो वो आपने यस कैसे टैकल किए? म्यूचुअल फंड के लिए कोई मुझे बताता है ना सर, आप म्यूचुअल फंड करो, हम लोग उनको म्यूचुअल फंड करना ही नहीं है, वो सब सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको वो हजम नहीं होगी वो बात। मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप म्यूचुअल फंड भी करो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको लाइफ का रिस्क कवर जो अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता नहीं है। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके साथ जितना आपका अमाउंट इंटरेस्ट वो सब ऐड होता होगा वही आपके फैमिली को मिलेगा, लेकिन आपके 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 फैमिली के साथ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अभी अभी हम लोग सोचते हैं कि नहीं मैंने घर लेके रखा है या मैंने गाड़ी लेके रखी है या मैंने एफडीज बनाई है, तो वो सब आपने किया है ना, जो अपनी जो खुद की बॉडी है तो उसके लिए भी तो कुछ करो इंश्योरेंस जैसा। तो वो ये सब बातें करने से उनको थोड़ा स्ट्राइक होता है कि चलो हम लोग हमारे लिए भी खुद करते कि हम लोग जाने के बाद हमारे फैमिली को कुछ हमारी हमारी जो भगवान ने जो हमें ये जो जीवन दिया है ये जो देह दिया है उसका भी कुछ रिटर्न देते जाए, तो ऐसे में उनको थोड़ा इमोशनली थोड़ा उनको टच करती हूँ वो टाइम पे, तो वेरी कभी हो गुड, जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड. सो सी, एज अ लेडी, व्हेन यू आर क्वालिफाइंग एमडीआरटी, व्हाट इज द फीलिंग दैट यू हैव बेस्ड ऑन आप इनकम अरे कमा रहे हैं और साइमल्टेनियसली जो रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ब्रांच में जब भी मतलब लास्ट एक साल से ही मेरे लिए मतलब अक्षता खंड को लेके ही चर्चा हो रही है। इवन कल भी जब भी मेरा एमडीआरटी डिक्लेयर हुआ उसके बाद मैं मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर हम लोग महालक्ष्मी मंदिर गए थे, वहां से आते वक्त हम लोग ब्रांच में गए तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर खुद मुझे बोल रहे थे कि आपके लिए कोई एक एजेंट हमें मिलने आया था, 2 घंटा हमारे साथ बैठे थे, उसमें 1.5 ईयर सिर्फ आपके बारे में ही बातें हो रही थी कि आप कैसे करते हो, क्योंकि मेरा घर का सिचुएशन ऐसा है सर कि मेरा 11 साल का बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड मीन्स उसका उसका इंडिपेंडेंट वॉकिंग नहीं है और स्पीच नहीं है, तो उसका सब स्कूलिंग वो स्कूल जाता है नॉर्मल स्कूल में जाता है उसका सब स्कूलिंग, मेरी बड़ी बेटी जॉब करती है 25 ईयर्स की, उसका जॉब का उसका खाना वगैरह सब, कि मेरे बच्चों को मेरा ही खाना पसंद है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मैंने हटाई नहीं है कि वो मुझे करनी ही पड़ती है। तो ये और मेरे हस्बैंड बिजनेस की वजह से आउट ऑफ मुंबई रहते हैं, वो सैटरडे संडे यहाँ पे होते हैं, तो उनका भी घर में एब्सेंस रहता है, तो मम्मी पापा दोनों का रोल मुझे वो टाइम पे करना होता है ये सब। और मेरे ब्रांच में सभी को पता है कि ये चीजें कि मेरे मेरे घर में क्या चालू रहता है दिन भर ऐसे, तो ये सब इसके लिए तो मेरे ब्रांच में ऐसा सरप्राइज है सबके लिए कि ये मैंने किया ऐसे, तो आमने से आके मतलब सिर्फ सेकंड करके मुझे विश नहीं कर रहे, गले लगा के विश कर रहे कि आपने बहुत आप म्यूट में आ गए वापस. वेरी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। वेरी गुड. सो दैट मीन्स, सी, फॉर एवरीबडी, पीपल, लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू नो द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ. बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ विपरीत होते हैं, पर उसके बावजूद भी अगर जिसको करना है वो कैसे भी करके वो अपने टारगेट्स के ऊपर अचीव करते हैं. एंड रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अक्षता फॉर द सेम. अक्षता, बट व्हाट इज द फीलिंग दैट यू पर्सनली फील आफ्टर अचीविंग दिस काइंड ऑफ एन परफॉर्मेंस? सर इतनी इतनी अच्छी और इतनी कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग्स है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करने वाली फीलिंग्स है कि चलो एक बार तो एमडीआरटी हो गया, अभी अगले साल एमडीआरटी कम से कम एमडीआरटी तो अचीव करना ही है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कल से ही चालू हो गई, तो उसकी वजह से चलो अपने कुछ प्रोस्पेक्टिंग्स है या कुछ नया ऐड करना है ये कल से ही चालू हो गया सर, खुशी है ना शायद वो 1.5 घंटे 2 घंटे में तभी खत्म होके नए रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी आ गई और वो प्रेशर अभी से चालू हो गया है, तो शायद हम लोग अर्ली एमबीआरटी बोलते हैं वो शायद अचीव कर पाए वो अच्छा, हिसाब वो प्रेशर है या से एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट प्रेशर है. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? हु वुड यू लाइक टू गिव क्रेडिट इन दिस फेज? क्योंकि ये चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर आपके साथ में जो लोग खड़े होंगे, उनको आप किसको किसको याद करना चाहेंगे इस मौके के ऊपर? सारा सबसे पहले तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर स्नेहलता भोसले मैडम एंड मेरे गिरिराज सर, उन्होंने मुझे जो ट्रेनिंग दी है उसके वजह से मेरे मेरे अंदर ये चेंजेस हुए हैं, उसके वजह से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है,
ये जो बात कर रही, अभी भी मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो मुझे खुद सरप्राइज है कि मैं इतना सब अपके बारे, मेरे बारे में नहीं बोलना है, लेकिन ये मैं कर नहीं पाती थी, वो करने लगी हूँ और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ करने लगी हूँ। यार एमडीआरटी के टैग के साथ वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया है, ऐसे बोलूंगी मैं, आता ही है वो कॉन्फिडेंस। और वो सबसे पहले मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद उनका जो स्टाफ है, जो हमें हर हर काम के लिए, मतलब पॉलिसी कंप्लीट होने तक, पेपर हम लोग सबमिट करते हैं तो उसके बाद पॉलिसी नंबरिंग होने तक उनका पूरा उसमें सहयोग रहता है, कंट्रीब्यूशन होता है। और जो भी काम है हमारा, जो पहले प्रीवियस पॉलिसी का सर्विसिंग है, उनके लिए भी जो हमें, जो मुझे काम का कंप्लीट करने का जो प्रेशर रहता है वो मुझे लेना नहीं हो पड़ता है, वो करते हैं उसका। जैसे मेरा दूसरा फोकस तो दूसरे पॉलिसी नंबर करने हैं, दूसरे प्रोस्पेक्टिंग ऐड करने हैं, उसके ऊपर जाता है। या कुछ मेरे ट्रेनिंग्स रहते हैं, सर ने हमें हमेशा बोला है कि मैं तो खुद ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन आप अलग दूसरों से भी कुछ सीखो, हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। और कुछ भी ट्रेनिंग रहता है, जो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, वो ट्रेनिंग हम लोग अटेंड करते हैं, और उसके वजह से हम लोग नए प्रोस्पेक्टिंग के साथ डील करना बहुत आसान होता है। और वो डील क्लोज होके मतलब पॉलिसी नंबर हमें मिलता है, हमें पॉलिसी नंबर मिला मतलब हमें अपना कमीशन मिला। परफेक्ट 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 यस। एंड हु हाँ इन योर फैमिली यू वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू? यस, उसके उसके बाद मेरी आती है मेरी फैमिली, मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड होने के साथ, और मेरी दो सेकंड नंबर की बेटी है, बड़ी तो ऑफिस जाती है, उसका ज्यादा ऑफिस घर में टाइम नहीं रहता है, लेकिन मेरी दो नंबर की बेटी है, जो कभी मुझे अगर घर के बाहर जाना पड़ा या घर का अगर मैं मीटिंग भी कर रही हूँ, अभी मैं मीटिंग कर रही हूँ, तो वो मेरे बेटे बेटे को हैंडल करेगी, थोड़ा उसको टीवी लगा के दे या कुछ कुछ उसको बिजी रखे कि वो मुझे आके ना डिस्टर्ब करे, वो उसका बहुत हेल्प रहता है मुझे। और मैं उसको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी उसके लिए, कि उसके भी उसके वजह से मैं एमडीआईटी मेरा कंप्लीट कर पाई हूँ यस ऐसे। एब्सोल्युटली। विदाउट फैमिली सपोर्ट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि ये सारा चीज को हम लोग यहाँ पर करें। वेरी गुड। एंड एनी ऑफ द क्लाइंट्स दैट यू वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू? और मेरी सिस्टर इन लॉ, जैसे मैंने एक बार उसको बोला कि मेरा एमडीआईटी का टारगेट जैसे नजदीक आया, और उसने मुझे, उसको मैंने बोला कि ऐसा एक एलआईसी का प्लान आया है, आप ले लो, आपके हमारे समृद्धि करके, उसका नाम है, समृद्धि के लिए करेंगे ये प्लान। तो उसने बोला था कि नहीं, मैं मंथली मतलब मंथली प्रीमियम प्रिफर करूंगी, लेकिन मैंने उसको एक रिक्वेस्ट किया कि ये साल आप एक ईयरली प्रीमियम करो, नेक्स्ट ईयर में आपको मोड चेंज करके मतलब ईयरली का जो प्रोसेस है वो करवा के दूंगी। और उसने वो हाँ बोला, उसकी वजह से वो मेरा प्रीमियम ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ और वो टारगेट मेरा और नजदीक चला गया। तो श्रद्धा खांडेकर, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी ऑफिशियली। Be so nice of you. You know, it is like giving credits to people is very essential aspect of our life, जिससे relationships और बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। Now coming to new advisors, को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि MDRT करने के बाद, एक अथॉरिटी लाने के बाद में, what is the kind of advice that you would like to give based on the training, based on the consistency, based on the discipline, and कभी-कभी वो depression वाले thoughts भी आ जाते हैं ना, तो उसको भी कैसे tackle करते हो? Yes. यस, ये सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपकी, जो भी मैं खुद ऐसे करती हूँ कि मेरे जो भी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है वो मैं सुबह, मेरा जैसे घर का मतलब बेटे का काम खत्म होता है, मेरा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट लेके बैठती हूँ कि किसके साथ अभी मुझे जाना है, क्या करना है, किसको अभी मैं बात कर सकती हूँ, अभी ये सही टाइम है उनके साथ बात करने का, वो सब करना बहुत कंसिस्टेंसी होना ही चाहिए उसमें। और फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग, आप जितने भी ट्रेनिंग करो, हर एक ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा ही। और वो पता है हमें तभी के टाइम पता नहीं चलता कि ये कॉन्सेप्ट मैं कहाँ यूज कर सकती हूँ, कभी कभी इमीडिएट यूज होता है, लेकिन कभी कभी क्लाइंट के साथ जब जैसे ऑब्जेक्ट हैंडलिंग होता है तभी वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत यूज होते ही है। और उसका मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि वो कॉन्सेप्ट सॉल्व होने के बाद वो पॉलिसी क्लोज हुई है। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग ना करो, लेकिन थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग करो ही करो ऐसे। बहुत और डिप्रेसिव जो भी थॉट्स को मतलब डिप्रेशन, हाँ जो भी डिप्रेशन आता है ना, तो डिप्रेशन के साथ आपके, वो डिप्रेशन के टाइम आपके साथ कौन लोग है, आप किसके साथ वो चर्चा करके वो डिप्रेशन थोड़ा कम कर सकते हो ना, वो दिमाग में रखो, फिर डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो अभी इस साल का क्या टारगेट ले रहे हैं आप? इसका का सर सो मुझे टीसीओटी कंप्लीट करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एवरीबडी, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट क्लिक द लिंक बिलो एंड विश
अक्षता, ऑल द बेस्ट टू कंप्लीट हर सीओटी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, देर विल बी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा. एंड यस, दिस कम्स फ्रॉम अमित कोठारी. माय नेम इज अमित कोठारी. आई हैव बीन देयर इन दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री सिंस पास्ट 20 years. I have trained more than 1.5 lakh advisors, and we run a dedicated community for insurance professionals to help them to move their business from offline to online. There is a 2 days workshop. अगर आप चाहते हैं, नीचे लिंक दिया होगा, you can register it for that 2 days workshop and learn the systems, discover yourself, how to take your business from offline to online, how to do unlimited prospecting using the social media network so that you never fall short of पीपल. किसके पास जाऊं, ये प्रॉब्लम आपका वहां पे खत्म हो सकता है वंस यू नो द मेथड ऑफ डूइंग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक दिस इंटरव्यू एंड प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स, पॉसिबली दैट कैन चेंज देयर लाइफ्स. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. थैंक यू.